अति पिछड़ों को, पिछड़ों के प्रति न्याय करने में आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है। और इस बार इस देश की महिलाओं को ये छलना चाहते हैं, यही आपका चरित्र है। और आज लागू हो गया होता ये महिला आरक्षण बिल, आज इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन आपकी मंशा नहीं है। बिहार में आपको जरा सीखो यार, बिहार से सीखो। अभी बता रहे हैं सारी सेवाओं में आरक्षण दिया महिलाओं को, एक साल के अंदर आपके आपकी तरह 4.5 साल इंतजार नहीं करते रहे, ये भाषण दे रहे हैं। इस सरकार को महिला शक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है, इस सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है। और उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोई भी जुमला ये कर सकते हैं, यही आपका चरित्र है। इसलिए कि आप उसका विरोध करते हैं, आप आरक्षण के विरोधी हैं। पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनके भी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को होना चाहिए। ये क्या बात करेंगे, ये भी प्रवचन दे रहे हैं। आप वादा करते हैं, आप 2014 में वादा किए और आपके गृह मंत्री जी ने कह दिया। ये जुमला होता है चुनाव में, इसी तरह चलता रहता है, ये इनका चेहरा है। आज आप बात करिएगा नारी शक्ति बंधन का, 2024 के बाद कहिएगा अरे ये तो जुमला होता है, ऐसे ही चलता है चुनाव, यही आपका चरित्र है। इस देश की जनता आपके चेहरे को पहचान गई है, आपको पहचान गई है, आपके झांसे में नहीं पड़ने वाली है। आपको सत्ता से 2024 में मुक्त होगा वो भय आपको सता रहा है। श्री राजीव रंजन सिंह जी, सभापति महोदय, महिला आरक्षण बिल 2023 का हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड समर्थन करती है। हम समर्थन इसलिए करते हैं कि हमारा विश्वास है महिला सशक्तिकरण, लेकिन जो सरकार ने जो बिल लाया है और जो इनकी मंशा है, वो मंशा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। ये 26 पार्टियों का जो INDIA ये बना है उसका पैनिक रिएक्शन है, उसके पैनिक रिएक्शन में इन्होंने ये बिल लाया। इनकी कोई मंशा नहीं है, ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। ये महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहते हैं। 2014 में इन्होंने इस देश के बेरोजगारों को छला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा करके। 2014 के में इन्होंने इस देश के गरीबों को छला, काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे, छलने का काम किया। और इस बार इस देश की महिलाओं को ये छलना चाहते हैं। इनकी मंशा नहीं है। अगर इनकी मंशा होती तो 2021 में इन्होंने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ कराया होता। इसलिए कि इस देश की मांग है, इस देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जनगणना आप कराएं। और इस सदन में मांग होती रही, आप नहीं कराए, इसलिए कि आपको कराना नहीं। आप गरीबों को, अति पिछड़ों को, पिछड़ों के प्रति न्याय करने में आपका विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, इसलिए आपने जनगणना नहीं कराने कराया। और अगर आपने शुरू करा होता अब तक तो जनगणना खत्म हो गया होता और आज लागू हो गया होता ये महिला आरक्षण बिल, आज इसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन आपकी मंशा नहीं है। आप 334A जो आपने प्रावधान किया है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और 2024 का भारी जुमलेबाजी करके महिलाओं को छलने का काम करेंगे। लेकिन महिलाएं, इस देश की जनता आपकी जान गई है, आप भारी जुमलेबाज है, आपके किसी जुमले पर उसको भरोसा नहीं है, उसको विश्वास नहीं। बिहार में आपको जरा सीखो यार, बिहार से सीखो। अभी बता रहे हैं बिहार पहला राज्य है, ये भाषण दे रहे हैं। बिहार पहला राज्य है जो 2005 में सरकार बनी, 2006 में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, 2015 में सरकार बनी महागठबंधन की सरकार बनी,
2016 में 35% राज्य सरकार की सारी सेवाओं में आरक्षण दिया महिलाओं को, एक साल के अंदर आपके आपकी तरह 4.5 साल इंतजार नहीं करते रहे। कल प्रधानमंत्री जी का सुन रहे थे, आंकड़ा की बात कर रहे थे, अरे आंकड़ा तो आपका 2019 से था, काहे नहीं किया आपने? जब बंगलोर में, पटना में, बंबई में मीटिंग हुई तो आपकी घबराहट हो गई और उस घबराहट में आप लेके आए। आपको हम बताना चाहते हैं, ये इनको क्या मालूम है दुबे जी को, उत्तर प्रदेश में तो अभी सुना रही थी वो कहानी, तो इसलिए बता रहे। 1 करोड़ 30 लाख ग्रामीण महिलाओं को बिहार की सरकार ने जीविका के माध्यम से सशक्त करने का काम किया है गरीब महिलाओं को, इसलिए आप क्या बात करिए? आपको क्या महिला सशक्तिकरण से बात मतलब है? आपको कोई महिला सशक्तिकरण से मतलब नहीं है। इस सरकार को महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है, इस सरकार को अपनी कुर्सी से मतलब है, और उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोई भी जुमला ये कर सकते हैं, कोई भी जुमलेबाजी ये कर सकते हैं। इसलिए आप कह रहे हैं नारी, आप कह रहे हैं जातीय जनगणना, आप तो देश की मांग है, आप कहिए, आप आज ऐलान करिए इस सदन में कि हम इस देश में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। आप नहीं कराना चाहते इसलिए कि आप उसका विरोध करते हैं, आप आरक्षण के विरोधी हैं। 2015 याद करिए क्या हुआ, बोले थे आपके जो संस्थापक एक हैं, पीछे से जो संस्था आपको जो गाइड करती है, उसने क्या कहा था आपको, आरएसएस, ये लोग बता रहे हैं आरएसएस, मोहन भागवत जी थे, उन्होंने क्या कहा, कहा कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। अरे वाह भाई, बाहर सरकार आप चला रहे, आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण कोई आपके कृपा से है? आरक्षण आपके कृपा से नहीं है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। तो इसलिए आप क्या बात करिएगा? आज अगर ये बिल आपने, महिला आरक्षण बिल लाया, इसमें भी अति पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनके भी आरक्षण का प्रावधान महिलाओं को होना चाहिए। हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में एकल पद पर दिया है, एकल पद पर आरक्षण दिया है। ये क्या बात करेंगे, ये भी प्रवचन दे रहे हैं, एकल पद पर मिला है। और अभी जब राज्य की सरकार ने, बिहार की सरकार ने जब जाति आधारित गणना कराने का फैसला किया, तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार उसके विरोध में खड़ी हो गई और सुप्रीम कोर्ट उसका विरोध कर रही है। ये इनका चेहरा है, ये इनका चेहरा है। और ये बात करते हैं नारी शक्ति बंधन की बात करते हैं, बंधन की बात है, अपना बंधन कर रहे हैं आप अपना बंधन कर रहे हैं, अपने कुर्सी का बंधन कर रहे हैं, अपनी सत्ता का बंधन कर रहे हैं, अपनी सत्ता को बचाने का बंधन आप कर रहे हैं। आप वादा करते हैं, आप 2014 में वादा किए और आपके गृह मंत्री जी ने कह दिया, ये जुमला होता है चुनाव में इसी तरह चलता रहता है। आज आप बात करिएगा नारी शक्ति बंधन का, 2024 के बाद कहिएगा अरे ये तो जुमला होता है ऐसे ही चलता है चुनाव, यही आपका चरित्र है और यही आपकी मंशा है। इस देश की जनता आपके चेहरे को पहचान गई है, आपको पहचान गई है, आपके झांसे में नहीं पड़ने वाली है, आपको सत्ता से 2024 में मुक्त होगा, वो भय आपको सता रहा है, वो भय आपको सता रहा है, और इसलिए ये बिल आप लेके आए हैं, इसलिए इससे कुछ नहीं होना है। और यही कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, और इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।